Good morning everyone. Today we are going to discuss our next topic, that is numericals on series and parallel combination of resistors, that comes under the chapter of electricity. It is one of the very important topic of class 10. Today we have to start our first numerical. In this video lecture, we are going to discuss one of the very important numericals. Okay, let's start our first numerical. The statement of numerical is: an electric lamp whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery. Calculate A part, the total resistance of the current or circuit, B, the current through the circuit, and the last one is the potential difference across the electric lamp and conductor. देखिए बेटा, न्यूमेरिकल में मैंने आपको पहले भी बताया है, सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल हमारे सामने आता है तो हमें बिल्कुल शांति से, ठंडे दिमाग से न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को अपने माइंड में रीड करना होता है. आफ्टर दैट स्टेटमेंट में हमें गिवन क्या है उस चीज का पता लगाना होता है. वो आप कैसे निकालेंगे कि क्या चीज हमें दे रखा है, वो आप उनकी SI यूनिट्स की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे. एंड द थर्ड लास्ट वन इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट, कैसे आप उस चीज को निकालेंगे. तो इस क्वेश्चन में बेटा आपको क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रिक लैंप दे रखा है जिसकी रेजिस्टेंस 20 ओम है. दूसरा अप्लायंस क्या है, कोई भी एक कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस 4 ओम है. दोनों ही अप्लायंस 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, मींस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है 6 वोल्ट. गिवन क्या है, आपको पता चल गया कि रेजिस्टेंस गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है. निकालना क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में आपको तीन चीजें निकालनी है. फर्स्ट वन इज टोटल रेजिस्टेंस, सेकेंड वन करंट थ्रू द सर्किट, होल सर्किट का आपको करंट निकालना है, एंड द लास्ट वन इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, मींस इलेक्ट्रिक लैंप के विद रिस्पेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और कंडक्टर के विद रिस्पेक्ट क्या निकालना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस. तो फिगर आपको ड्रा करके दिखाते हैं हम. पहले मैंने एक रेजिस्टर लगा लिया है जिस कंडक्टर है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 4 ओम दे रखा है. दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक लैंप है जिसकी रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 20 ओम आपको गिवन है. साथ में हमने बैटरी लगा ली 6 वोल्ट की, एमीटर लगाया है फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और बेटा की को हमने क्लोज पोजीशन में लगाया है. जब हमारी की क्लोज होगी बैटरी से करंट निकलेगा और करंट की डायरेक्शन होगी बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. ओके, देखिए हम इस क्वेश्चन को करते क्या है, कैसे हैं. पहले तो हमें ये देखना होगा क्या ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है, क्योंकि तभी आप क्वेश्चन में आगे फॉरवर्ड मूव कर पाएंगे. तो मैंने आपको बताया था जब एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट एक ही हो, मींस आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बनता है, दैट मींस वो कौन सी सिचुएशन होगी सीरीज की. देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, पहले 4 ओम रजिस्टर के अंदर से गया, फिर 20 ओम के रजिस्टर में से पास आउट हुआ और एमीटर से पास आउट होकर नेगेटिव टर्मिनल में निकल गया. क्या इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचने के लिए, आई थिंक नहीं है. तो इस तरह का अगर क्लोज्ड लूप, सिर्फ और सिर्फ वन पाथ अगर आपके पास है, दैट मींस दोनों किसके अंदर है, सीरीज के अंदर है. तो देखिए रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप, इसको हमने नाम दे दिया है R1, कितना गिवन है 20 ओम. रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, इसको हमने नेम दे दिया R2, कितना है बेटा इसकी रेजिस्टेंस, 4 ओम. आपको निकालनी है, पहला ए पार्ट आपका यही है, टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है सर्किट की. क्वेश्चन में गिवन है यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2, RS रजिस्टर्स इन सीरीज, S स्पेसिफाइज हेयर सीरीज अरेंजमेंट. R1 की वैल्यू रख दीजिए 20, R2 की वैल्यू रख दीजिए 4, 20 प्लस 4 24 ओम. तो यहां से टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस की होल सर्किट की कितनी हो जाती है बेटा, 24 ओम. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं. बी पार्ट क्या बोलता है आपको, बी बोलता है यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल करंट थ्रू द सर्किट, पूरे सर्किट में से कितना करंट फ्लो होगा, दैट मींस करंट आपको निकालना है. जो चीज आपको फाइंड आउट करनी होती है उस सामने हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ओम्स लॉ, वन ऑफ द वेरी फेमस फॉर्मूला दैट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट. द रिलेशनशिप इज V इज इक्वल टू IR,
Here I stands for electric current, R stands for resistance and V stands for potential difference. क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 6 आपको गिवन है, करंट की वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट, रेजिस्टेंस अभी आपने निकाला है 24 ओम, ठीक है, रख दीजिए. आई की वैल्यू निकालेंगे तो 24 जाएगा 6 के डिवाइड में, 6 फोर जा 24, 1 बाय 4. जब आप डिवाइड करेंगे 4 को 1 से, नाउ यू विल गेट 0.25 एम्पियर. एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट. ओके, अब आपको थर्ड पार्ट निकालना है जो कि क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लेम. अगेन बाय यूजिंग फॉर्मूला ओम्स लॉ, दैट इज वी इज इक्वल टू आई आर. पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक लेम का आपने नाम दे दिया V1. करंट की वैल्यू आपने अभी भी निकाली है ऊपर, दैट इज 0.25 एम्पियर. रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक लेम्प का 20 ओम. यहां से जब आप सॉल्व करेंगे आपको वैल्यू मिल जाएगी 5 वोल्ट. ओके, इसी में फर्दर एक पार्ट और है कि आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसके अक्रॉस, अक्रॉस द कंडक्टर. जो चीज निकालनी होती है उसके सामने क्वेश्चन मार्क. अगेन एज वी नो दैट वी इज इक्वल टू आई आर, यहां से V2 की वैल्यू निकालेंगे. करंट 0.25, रेजिस्टेंस है कंडक्टर की 4. जब सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 1 वोल्ट. ओके, आई थिंक आपको यहां से क्लियर हो चुका होगा. फर्दर हम और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में करने वाले हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं. न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है, इन द सर्किट डायग्राम, मींस इस क्वेश्चन में डायग्राम आपको स्पेसिफाई है. सपोज द रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3, दैट मीन्स आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं R1, R2 एंड R3 और उनकी वैल्यू है 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम रेस्पेक्टिवली. दैट मीन्स R1 की वैल्यू है 5 ओम, R2 की वैल्यू है 10 ओम एंड R3 की वैल्यू है 30 ओम, विच हैव बीन कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट. दैट मीन्स ये तीनों के तीनों रजिस्टर एक कॉमन बैटरी से कनेक्ट है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, 12 वोल्ट. कैलकुलेट, आपको निकालना क्या है, द करंट थ्रू ईच रजिस्टर. यहां से ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर मीन्स R1 में से कितना करंट गया है, R2 में से कितना करंट गया है एंड R3 में से कितना करंट गया है. तीनों रजिस्टर्स का अलग अलग करंट आपको यहां निकालना है. बी पार्ट, टोटल करंट इन द सर्किट. कीप दैट थिंग इन टू योर माइंड. इस बी पार्ट में क्या बोल रहा है, ये टोटल करंट आपको निकालना है. किसका निकालना बेटा, होल सर्किट का निकालना है. एंड द थर्ड वन इज टोटल सर्किट रेजिस्टेंस. पूरे सर्किट का आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है. तो पहले तो यही फंडा है कि आपको पता लगाना पड़ेगा कि तीनों रजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में है. देखिए मैंने आपको बताया था, अगर ये तीनों रजिस्टर सीरीज में होते सिर्फ और सिर्फ एक पाथ मिलता. अब देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, ए पॉइंट पर जाते ही आपको तीन रास्ते दिखाई देंगे. एक है जो R1 से पास आउट होके जाएगा, दूसरा है जो R2 से जाएगा, तीसरा है R3 पे जाएगा और तीनों एक कॉमन पॉइंट पे ही एंड हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं और फिर आकर नेगेटिव टर्मिनल पे. दैट मींस एक कॉमन पॉइंट A से तीन पाथ निकलते हैं और एक ही कॉमन पॉइंट B पर आकर तीनों पाथ वापस मीट कर जाते हैं. मोर देन वन पाथ, दैट मीन्स ऑल द 3 रजिस्टर्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल. तीनों रजिस्टर्स किस में अरेंज हैं, तीनों रजिस्टर पैरेलल में अरेंज्ड हैं. एक बात और जो आपको ध्यान में रखना होता है बेटा, जब भी हम सीरीज अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो कॉन्स्टेंट टर्म रहता है दैट इज करंट. सीरीज में कॉन्स्टेंट क्या चीज रहती है, सीरीज में कॉन्स्टेंट रहता है करंट. लेकिन जब भी हम पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर्स की बात करते हैं हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है और करंट हमारा अलग अलग पास आउट होकर जाता है. दैट मीन्स R1 में से करंट जाएगा I1, R2 में से करंट जाएगा I2, R3 में से करंट जाएगा I3. बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, A पॉइंट तक हमारा I करंट ही फ्लो हो रहा था, लेकिन जैसे ही A से तीन अलग अलग रास्ते हैं तो करंट भी आपका यहां पे डिवाइड हो जाता है. ओके ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट निकालते हैं, द करंट थ्रू ईच रजिस्टर. आपने देखा होगा V की वैल्यू यहां पे है, रजिस्टर्स की वैल्यू आपके पास है, आपको करंट की वैल्यू निकालनी है. VIR, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में. यहां से I की वैल्यू निकालेंगे आप तो V बाय R, R डिवाइड में चला जाएगा V पे,
तो मैंने आपको बताया था R1 में से कौन सा करंट पास आउट होके जा रहा है, I1। तो I1 की वैल्यू यहां से आप निकाल लेंगे V बाय R1। V की कॉन्स्टेंट वैल्यू है दैट इज 12, R1 5, यहां से डिवाइड करके यू विल गेट 2.4 एम्पियर। सेम ऐसे ही I2 की वैल्यू निकाल लेंगे V बाय R2, V अगेन कॉन्स्टेंट दैट इज 12, R2 की वैल्यू है 10, डिवाइड करेंगे नाउ यू विल गेट 1.2 एम्पियर। आफ्टर दैट I3 करंट जा रहा है आपका रजिस्टर R3 में से, तो I3 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी बेटा, V बाय R3, V कॉन्स्टेंट दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा 20, R3 रजिस्टर 3 की वैल्यू कितना है 30 ओम है, डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0.4 एम्पियर। एम्पियर इज द SI यूनिट ऑफ करंट। अब सेकेंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है द टोटल करंट इन द सर्किट, पूरे सर्किट में से कितना करंट जाएगा, तीनों जो इंडिविजुअल करंट्स की वैल्यू निकल, तीनों को सम कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 की वैल्यू क्या निकली बेटा 2.4, I2 1.2, I3 0.4। जब आप तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे यू विल गेट 4.0 एम्पियर। ओके बेटा, इसी के सी पार्ट की तरफ हम प्रोसीड करते हैं, दैट इज द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, जैसे कि आपने डायग्राम में देखा है तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल में अरेंज्ड है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंसेस कैसे निकलेगी, 1 बाय RP, रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। जो टोटल रेजिस्टेंस का सम होगा वो रेसिप्रोकल होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का, दैट मीन्स 1 बाय RP। पी स्टैंड्स फॉर पैरेलल। ओके, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। वैल्यू पुट कर दीजिए, R1 की 5, R2 की 10, R3 की 30। LCM लेंगे 5, 10 और 30 का, यू विल गेट द LCM ऑफ 30, 631। जब आप 631 को ऐड करेंगे यू विल गेट 10 डिवाइड बाय 30, 1 बाय 3। यहां से आपको 1 बाय RP की वैल्यू आई बेटा 1 बाय 3। अगेन अगर आपको RP की वैल्यू चाहिए, अगेन रेसिप्रोकल होगा, दैट इज 3 बाय 1, 3 ओम। ओके, आई होप बेटा ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा, कुछ कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होगा, तो घबराने की बात नहीं है, हमारे पास और भी काफी न्यूमेरिकल्स हैं आपके डाउट्स को, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बेटा हमारा प्राइम मोटिव है आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आप किसी भी न्यूमेरिकल से डरे ना, घबराए ना, हम हमेशा आपके साथ हैं। कोई भी अगर आपको डाउट होता है, कोई भी अगर आप परेशानी फेस करते हैं, आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या बोलती है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, दैट मीन्स इस क्वेश्चन में भी फिगर आपको मेंशन है, R1 इज इक्वल टू 10 ओम, R2 इज इक्वल टू 40 ओम, R3 इज इक्वल टू 30 ओम, R4 इज इक्वल टू 20 ओम, R5 इज इक्वल टू 60 ओम। दैट मीन्स 5 रजिस्टर्स हैं और सबकी स्पेसिफिक रजिस्टेंस क्वेश्चन में मेंशन है, एंड ए 12 वोल्ट बैटरी, और क्या है, 12 वोल्ट की बैटरी है, इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट। एक अरेंजमेंट बनाई गई है जिसमें ये पांचों रजिस्टर्स और ये बैटरी को कनेक्ट किया गया है। कैलकुलेट, दैट मीन्स आपको पता क्या करना है, निकालना क्या है, क्वेश्चन में गिवन है टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है, और सेकेंड चीज क्या निकालनी है, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, पूरे सर्किट में से कितना करंट फ्लो करेगा। तो पहले हम सर्किट को ही देख लेते हैं, डायग्राम को ही देख लेते हैं। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, यहां पर आके देखिए दो अलग अलग पाथ, दैट मीन्स दोनों रजिस्टर किसमें है, पैरेलल में है, तो पहले इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे। ओके, आफ्टर दैट यहां से करंट निकला, एमीटर ने करंट को मेजर किया, यहां पर आने के बाद देखिए तीन अलग से रास्ते, दैट मीन्स तीनों रजिस्टर किसमें है, पैरेलल में, तीनों को सॉल्व कर लीजिए। ओके, अब आपने ध्यान से देखा होगा जब इन दोनों को सॉल्व किया तो एक रजिस्टर आ गया, फिर इन तीनों को सॉल्व किया तो एक रजिस्टर आ गया, उसके बाद करंट पास आउट होके निकल गया, अगेन करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, यहां एक रजिस्टर होता है और यहां भी एक रजिस्टर, सिर्फ एक ही रास्ता बच जाता है, दैट मींस अल्टीमेटली एट लास्ट ये दोनों रजिस्टर किस में होंगे बेटा, ये दोनों रजिस्टर सीरीज में होंगे। ओके, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला पार्ट बोलता है आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है सर्किट की, तो इनिशियली में रजिस्टर्स R1 एंड R2 किसके अंदर है, पैरेलल में है, रजिस्टर्स R3, R4, R5 किसके अंदर है, पैरेलल में है, तो पहले यही निकाल लेते हैं, यही सॉल्व कर लेते हैं। 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। R1 की वैल्यू है बेटा 10 और R2 की है 40। जब 10 और 40 का एलसीएम लेंगे नाउ यू विल गेट द एलसीएम ऑफ 40, 10 फोर जा और 40 वन जा, 4 प्लस 1 5 बाय 40, 1 बाय 8।
आपको यहां से 1 by rp की वैल्यू मिली है बेटा 1 by 8 अगेन सिर्फ rp की वैल्यू निकालनी है तो इसका रेसिप्रोकल करना होगा रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा कर दीजिए सिंपली तो rp की वैल्यू हो जाएगी 8 जब आपने इन दोनों रजिस्टर्स को सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद एक रजिस्टर आया जिसकी वैल्यू कितनी थी 8 ओम ठीक है आफ्टर दैट हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे 1 by rp dash 1 by r3 plus 1 by r4 plus 1 by r5 r3 की वैल्यू है 30 r4 20 r5 60 30 20 60 का lcm लीजिए बेटा lcm होगा 60 30 2 जा 20 3 जा 60 1 जा 3 plus 2 5 plus 1 6 by 60 1 by 10 1 by rp dash की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1 by 10 अगेन आपको रेसिप्रोकल करना होगा दैट इज 10 ओम जब आपने इन तीनों की रेजिस्टेंसेस को सॉल्व किया एक रेजिस्टर आया जिसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस थी 10 ओम अब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला एक रेजिस्टर जिसकी वैल्यू 8 ओम अगेन एक रेजिस्टर जिसकी वैल्यू 10 ओम और पाथ खत्म दैट मींस अब ये सर्किट कौन सा है अब ये सर्किट सीरीज का है सॉल्व कर लीजिए रेजिस्टर्स आरपी एंड आरपी डैश आर इन सीरीज तो सीरीज में क्या होगा सिंपली ऐड करना होता है 8 प्लस 10 दैट इज 18 ओम ठीक है बेटा इसी के बी पार्ट की तरफ प्रोसीड करेंगे बी पार्ट क्या बोलता है द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट पूरे सर्किट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है अगेन आप ओम्स लॉ का ही इस्तेमाल करेंगे आई की वैल्यू निकालेंगे वी बाय आर वी है 12 क्योंकि रजिस्टर्स पैरेलल में थे इनिशियली तो कांस्टेंट क्या रहता है पोटेंशियल डिफरेंस रहता है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपने यहां से 12 ले लिया और टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का कितना आया था बेटा 18 ओम आया था तो डिवाइड बाय 18 रख लेंगे जब 12 और 18 को आप डिवाइड करेंगे जो कटता है उसको काट दीजिए यू विल गेट 2 बाय 3 और जब 2 बाय 3 से आप डिवाइड करके निकालेंगे आपका आंसर आ जाएगा 0.67 एम्पियर आई रिपीट अगेन एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट ठीक है बेटा आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको कुछ समझ में आया होगा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे चलिए एक न्यूमेरिकल हम और देखते हैं आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग मिलेगा बेटा ठीक है हर न्यूमेरिकल एक जैसा नहीं होगा कुछ ना कुछ प्रीवियस से रिलेटेड होगा लेकिन हर न्यूमेरिकल कुछ नई चीज आपको सिखाएगा जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप अपनी लाइफ में ट्राई करेंगे उतना ज्यादा सक्सेसफुल रेट आपका हाई जाएगा ठीक है ना बेटा कहते हैं जितनी ज्यादा मेहनत आप करेंगे उतनी ज्यादा आपकी मेहनत रंग लाएगी उतना ज्यादा आप निखरेंगे तो ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप खुद कीजिए क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस को खुद निकाल कर नहीं देखेंगे अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं होगा कि हाँ हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ठीक है बेटा सो आप जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट है बेटा कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ये फॉलोइंग सर्किट आपको दे रखा है एग्जामिनर ने इसकी आपको क्या निकालना है टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर टोटल रेजिस्टेंस तो तब निकालेंगे कि शुरुआत में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से रजिस्टर सीरीज में है कौन सा रजिस्टर पैरेलल में है कब कहां किस सिचुएशन में क्या हो रहा है ठीक है बेटा तो वही बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकलेगा करंट एमीटर ने करंट को मेजर किया सी या इस पॉइंट पे आकर देखिए बेटा एक रास्ता ये जाता है एक रास्ता ये जाता है मतलब कहीं ना कहीं पैरेलल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है ध्यान में रखिएगा इस चीज को आगे चलते हैं यहां पे जाएंगे सिर्फ एक रजिस्टर है ठीक है बेटा इसको यहीं रहने दीजिए आगे इसको छोड़कर ए पे जाइए देखिए बेटा यहां पर एक रजिस्टर दो रजिस्टर तीनों सिर्फ एक ही रास्ता जा रहा है खत्म होकर नेगेटिव टर्मिनल में खत्म हो जाएगा दैट मींस R1 R2 R3 किसके अंदर है बेटा सीरीज में तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं सीरीज में क्या होगा टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का सम RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और तीनों ही रेजिस्टर्स की वैल्यू है 2 ओम 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज 6 ओम ठीक है अब इस तीनों को सॉल्व कर के बाद एक रजिस्टर आ जाएगा जिसकी वैल्यू है 6 ओम अब यहां से दो रास्ते जाते हैं एक ऊपर जाएंगे तो 6 ओम का रजिस्टर आएगा सी पाथ की तरफ जाते हैं तो 2 ओम का रजिस्टर आ जाएगा दोनों किसके अंदर हो जाते हैं अब बेटा अब दोनों हो जाते हैं पैरेलल में और पैरेलल में कैसे सॉल्व करेंगे रजिस्टर्स आर एस एंड आर फोर आर इन पैरेलल अरेंजमेंट तो पैरेलल में आप सॉल्व करेंगे 1 बाय आरपी इज इक्वल टू 1 बाय आर एस प्लस 1 बाय आर फोर आर एस की वैल्यू यहां 6 रख दीजिए आर फोर की वैल्यू 2 रख दीजिए 6 और 2 का आप जब एलसीएम लेंगे
That is 6. 6 1s are 6, 2 3s are 6. 1 plus 3, 4 by 6. 2 2s are 4, 2 3s are 6. आपको यहां से मिलेगा 2 by 3. याद रखिए ये 2 by 3 है 1 by RP की वैल्यू. जब आप RP की वैल्यू निकालेंगे आपको इसका रेसिप्रोकल करना होगा, उल्टा करना होगा. That is 3 by 2. और जब आप 3 by 2 से ये डिवाइड करके निकालेंगे आपका आंसर आ जाएगा 1.5 ओम. ओम इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. SI यूनिट एट लास्ट आपको आंसर के साथ लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. अगर आप ये लगाना भूल जाते हैं बाय मिस्टेक तो एग्जामिनर यहां से आपका हाफ मार्क्स डायरेक्टली डिडक्ट कर लेगा. ओके तो इस चीज को ध्यान रखना है क्योंकि हर छोटे से छोटा मार्क्स, आधा आधा मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाफ हाफ मार्क्स गेन करके ही आप टॉपर्स की लिस्ट में हाईएस्ट पॉइंट पर जा सकते हैं. ठीक है बेटा, चलिए अब हम हमारे इस वीडियो के लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करते हैं. दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 5. स्टेटमेंट को रीड करते हैं. स्टडी द फिगर गिवन बिलो. जो आपको डायग्राम नीचे दिया गया है, फिगर आपको दिया गया है, उसको आपको ध्यान से देखना है, स्टडी करना है. एंड इन्यूमरेट द रीडिंग ऑफ एम मीटर. अब यहां निकालना क्या है आपको, रीडिंग ऑफ एम मीटर. तो इस क्वेश्चन को करने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाएगा. तो आपको पता होना चाहिए रीडिंग ऑफ एम मीटर मतलब एम मीटर क्या मेजर करता है. एम मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट. बेटा एम मीटर क्या करेगा, पूरे सर्किट में से कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उस चीज को मेजर करेगा. कौन? एम मीटर मेजर करेगा. ओके और एम मीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो क्या रहती है, ये आपका असाइनमेंट वर्क है कि आपको फाइंड आउट करना है. जब भी एम मीटर को हम किसी भी सर्किट में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस की स्पेसिफिक वैल्यू हाई रहती है या लो रहती है. इन द नेक्स्ट वीडियो में आपसे इनका आंसर जानने की पूरी कोशिश करूंगी, आपको बताना पड़ेगा. ठीक है बेटा इस क्वेश्चन को. चलिए हम डायग्राम की तरफ चलते हैं. बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है 10 वोल्ट. पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, एमीटर से पास आउट होकर इस पॉइंट पर पहुंचता है. नाम देते हैं हम इसको ए. यहां से दो रास्ते मिलते हैं, दैट मींस दोनों किस में हो गए, पैरेलल में. यहां पे आने के बाद अगेन दो रास्ते, दैट मींस ये दोनों भी किसके अंदर हो जाते हैं, पैरेलल के अंदर. पहले आर वन आर टू को सोल्व कर लीजिए पैरेलल में, आर थ्री आर फोर को सोल्व कर लीजिए पैरेलल में. जब आर वन और आर टू को सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद एक रेजिस्टेंस आएगी वैल्यू. आर थ्री आर फोर को सोल्व करेंगे उसके बाद, तो दोनों को सोल्व करने के लिए एक रेजिस्टेंस वैल्यू आएगी. फिर दोनों रेजिस्टेंस किसके अंदर हो जाएंगे, सीरीज के अंदर हो जाएंगे. ठीक है बेटा, चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं. आपको क्या निकालना है, रीडिंग ऑफ एम मीटर मीन्स आपको करंट निकालना है. करंट को बेटा इन शॉर्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से. और जो चीज निकालनी होती है उसके सामने हम क्या लगा लेते हैं बेटा, उसके सामने हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं. किसका यूज करेंगे, ओम्स लॉ को यूज करेंगे. क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर. वी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपको 10 दे रखी थी, करंट आपको निकालना है, आपको चाहिए रेजिस्टेंस की वैल्यू. ये 7.5 रेजिस्टेंस कैसे आया देखते हैं. शुरुआती जब हमने क्वेश्चन को देखा था, रजिस्टर्स आर वन एंड आर टू किस में थे, पैरेलल में. तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. 1/5 + 1/5. आर वन की वैल्यू भी बेटा हमारे पास 5 थी और आर टू की वैल्यू भी कितनी थी, 5 थी. जब दोनों का एलसीएम लेंगे 5, 1 प्लस 1 2/5 और अगेन इसका क्या करना पड़ेगा हमें, रेसिप्रोकल. तो आपको यहां से मिल जाएगी वैल्यू 2.5. आफ्टर दैट आर थ्री एंड आर फोर किसके अंदर थे, पैरेलल में अरेंज थे. तो यहां से भी आप वैल्यू निकाल लेंगे 1/RP', दैट इज 1/10 + 1/10. आर थ्री और आर फोर दोनों रजिस्टर्स की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना मेंशन है बेटा, 10 ओम मेंशन है. यहां से सॉल्व करेंगे एलसीएम आ जाएगा 10, 1 प्लस 1 2/10, 1/5. तो आरपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आरपी डैश की 5 ओम. अब जब पहले आर वन आर टू को सॉल्व किया तो एक रजिस्टर आया, आर थ्री आर फोर को सॉल्व किया एक रजिस्टर आया. मतलब अब दोनों रजिस्टर्स किसके अंदर है बेटा, अब दोनों रजिस्टर्स हैं सीरीज के अंदर. ठीक है, ये रजिस्टर हमारा बन जाता है, इसकी वैल्यू है 2.5 ओम, इसकी वैल्यू है 5 ओम. पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता, एक पाथ आपके पास है, दैट मींस दोनों किसके अंदर है, सीरीज में. तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आरपी एंड आरपी डैश आर इन सीरीज. सीरीज में सिंपली आपको ऐड करना होता है, 5 + 2.5, दैट इज 7.5 ओम इज द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट. तो यहां से आपने आर की वैल्यू 7.5 रखी, आई की वैल्यू निकालेंगे तो 7.5 जाएगा 10 के डिवाइड में. जब भी आप डेसिमल को रिमूव करेंगे ऊपर कितना जाएगा, 10.
डिवाइड कर लीजिए, जो भी कटता है उसको काट लीजिए. 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा, ओके. ऐसे ही काटने के बाद यू विल गेट 2 2 जा 4 बाय 3, और जब आप डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 1.33 एम्पियर. एम्पियर इज द एस आई यूनिट ऑफ करंट. आई होप बेटा आपका क्वेश्चंस ये सभी बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे. तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए बेटा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए. और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है बेटा. पहले इन क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा. इन माय नेक्स्ट वीडियो मैं और 5 इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आऊंगी. ओके, बाय बाय.